एक मिनट, वीडियो स्क्रॉल की स्किप करने से पहले जरूर जानें, क्या आपके बाल भी हेल्दी है? क्या आपके बाल को आपकी जो आप प्लास्टिक के कॉम्ब्स यूज करते हैं उनसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है? क्या आप एक हेल्दी कॉम्ब को यूज कर रहे हैं? अगर इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं, आपको कौन सा कॉम्ब यूज करना चाहिए, लकड़ी की कॉम्ब्स के कितने सारे फायदे हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बाल लंबे, खूबसूरत और घने हों, लेकिन कभी कभी हम बालों की देखभाल में कुछ गलतियां कर देते हैं। एक टाइम था जब मेरे बाल भी काफ़ी खूबसूरत, घने और लंबे हुआ करते थे, फिर कभी कभी बालों की देखभाल में कुछ गलतियां हो जाती है। मेरे बाल जिस वजह से काफ़ी डल, ब्रेकेज होने लगे। जब भी मैं प्लास्टिक कॉम्ब या ब्रश का यूज़ करती थी मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा टूटते थे। मैंने काफ़ी हेयर मास्क लगाए, काफ़ी चीज़ें अपनी चेंज करी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो रहा था। मेरे बाल उसके बाद भी काफ़ी ड्राई और वीक थे, लेकिन जब मैंने वुडन कॉम्ब का इस्तेमाल किया तो मेरे बालों में एक अलग ही जोश आया। मेरे बाल कम टूटने लगे और उनके टेक्सचर भी बदल गए। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल वैशाली उपमन्यु। आज मैं आप लोगों के साथ वुडन कॉम्ब के बेनिफिट्स शेयर करूंगी, उसका रिव्यू भी दूंगी, कहाँ से आप उसको मंगा सकते हैं, मैंने कौन सा मंगाया है एंड कहाँ से मंगाया है, तो सारी चीज़ें जो है आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये कॉम्ब। कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके बालों के लिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। पूरी वीडियो देख कर ही जाइएगा, हर एक चीज़ मैंने डिटेल में आपको बताई है वुडन कॉम्ब की, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे क्लीन करना है, वेट हेयर में यूज़ कर सकते हैं या नहीं, ड्राई हेयर में यूज़ कर सकते हैं या नहीं, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो कुछ टाइम पहले मैंने ये कॉम अमेज़ॉन से मंगाया था एंड ये नीम की लकड़ी का आता है। नीम की लकड़ी से ही इसको बनाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है हमारे बालों के लिए, जो कि एक नेचुरल और सस्टेनेबल मटेरियल है। सो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस कॉम की लगी है वो है कि यह मेरे बालों को बहुत ही जेंटली डिटेंगल कर देता है। पहले से मेरे काफ़ी ज़्यादा कम बाल टूटते हैं, एक बहुत ही ईजली तरीके से जो है ये मेरे बालों को डिटेंगल फ्री कर देता है बिना बाल टूटे। ये मेरे बालों को नेचुरल ऑयल से नरिश करता है, जिससे मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसने मेरे बालों की ग्रोथ को बढ़ाया है, उनको काफ़ी घना किया। इससे मेरे बाल काफ़ी सिल्की और सॉफ्ट हुए हैं, क्योंकि यह एक नेचुरल शाइन देता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, स्कैल्प की इचीनेस को दूर करता है, डेंड्रफ को ख़त्म कर देता है। काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इसके। जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ मैं इसकी बिग फैन हो चुकी हूँ, अब मैं इसको हमेशा यूज़ करूँगी। प्लास्टिक कॉम्ब अब से मैंने हमेशा के लिए हटा दिया है। सो चलिए अब मैं इसको डिटेल में बताती हूँ कि मैंने यह कहाँ से लिया है, कितने का लिया है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह नीम की लकड़ी का कंघा है और नीम की लकड़ी में एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि बालों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखता है। ये कॉम एंटायरली हैंडमेड है, इसलिए इसमें कोई भी केमिकल्स या आर्टिफिशियल मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया है। इसके वाइट टूथ कॉम बालों को बहुत जल्दी से डिटेंगल कर देते हैं और ब्रेकेज को रिड्यूस करते हैं। और नीम की लकड़ी बहुत ही ड्यूरेबल होती है, इसलिए यह कॉम लॉन्ग लास्टिंग भी है। वैसे कहा जाता है कि यह कॉम एवरी 6 मंथ में चेंज कर लेना चाहिए, बट अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से रखते हैं, क्लीन करके रखते हैं, तो यह आपका काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। उसके लिए आपको बहुत ही सफाई से, केयर के साथ इसको रखना पड़ेगा। यह काफ़ी साल तक भी आपका चल जाएगा, आपको एवरी 6 मंथ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके प्राइस की और कंपनी की बात कर लेते हैं, तो मैंने यह अमेज़ॉन से मंगाया है। नेट हैबिट कंपनी का जो है यह कंघा है, कच्ची नीम का कॉम है ये। इसकी MRP जो है 279 है, बट मुझे यह 198 का पड़ा है। 18 से 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, जो कि शॉर्ट से लॉन्ग हेयर दोनों के लिए अच्छी है। यह सभी हेयर टाइप्स के लिए सुटेबल है, चाहे आपके बाल ड्राई हो या ऑयली हो, कर्ली हो या जैसे भी हो, सभी बालों के लिए यह कॉम बेस्ट है, एकदम इजी टू यूज़ है।
सभी पर यह काम करेगा। इस कोम में 17 जड़ी बूटियों का यूज हुआ है। इसको पहले से ही नीम के तेल, नारियल के तेल, अरंडी के तेल, तिल के तेल, नीम का तेल, नीम के पत्ते, भृंगराज, आंवला, करी पत्ते और कई जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। आप लोग इसको डायरेक्ट nethabit.in वेबसाइट से भी मंगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको किसी भी ऑनलाइन ऐप से मंगा सकते हैं। अब इसकी क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो वो 10/10 है। काफ़ी मजबूत अच्छी क्वालिटी का जो है ये कॉम है, काफ़ी कंफर्टेबल है, इजी टू यूज़ है। स्मेल इसमें से मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं पता चली क्योंकि एक नेचुरल स्मेल है, कोई भी फ्रेग्रेंस इसमें नहीं है, सो इसकी नॉर्मल ही स्मेल है। अब नेक्स्ट आता है कि इसको क्लीन कैसे करना है। क्या हम इसको वाटर से वॉश कर सकते हैं, क्या इसको हम ड्राई हेयर में यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको मेंटेन रखना है, काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के मन में आ रहे होंगे। सो इन सभी का आंसर मैं आप लोगों को दूंगी, बट उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज़ और लोगों को भी शेयर ज़रूर करना ताकि उन लोगों को भी अपने हेयर्स के लिए एक अच्छा कॉम मिल सके। सो बिना देरी के शुरू करते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन है कि हम इसको क्लीन कैसे करें। क्लीन करने के लिए हमें एक सॉफ्ट ब्रश लेना है। आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर आप इसके लिए अलग से एक ब्रश मंगा सकते हैं। अदरवाइज आप इसको एक साफ क्लॉथ से जो है कॉम के टीथ पर डस्ट और डर्ट को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको दो तरीके से क्लीन कर सकते हैं, वाटर से भी एंड ऑयल से भी। वाटर से क्लीन करने के लिए कोई भी माइल्ड सोप या शैम्पू को यूज़ कर लेना है, ल्यूकवॉर्म वाटर लेना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है। कॉम को सोप मिक्सर में 10 से 15 मिनट के लिए सोक करना है। सॉफ्ट ब्रश से स्क्रब करना है लेकिन बहुत ज़ोर से बिल्कुल भी ना करें। देन इसको क्लीन वाटर से वॉश कर ले। एक क्लीन टॉवल से कॉम को ड्राई करें और इसको किसी ड्राई प्लेस पर रखें। दूसरा तरीका है कि एक स्मॉल अमाउंट में ऑयल को कॉम के टीथ पर अप्लाई करें। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं लाइक कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, जोजबा ऑयल, आर्गन ऑयल, नीम ऑयल एक्सेट्रा। उसके बाद सेम सॉफ्ट ब्रश या क्लीन क्लॉथ से कॉम के टीथ पर स्क्रब करें। ऑयल को 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ें। देन एक क्लीन क्लॉथ से ऑयल को वाइप करें एंड कॉम को ड्राई होने दें। कॉम को ऑयल से क्लीन करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। कॉम को मॉइस्चर करता है, प्रोटेक्ट करता है, कॉम के टीथ को स्मूथ एंड शाइनी बनाता है। लेकिन यह याद रखना है कि ऑयल से कॉम को क्लीन करने के बाद ड्राई जरूर कर लेना है ताकि वुड को कोई भी नुकसान ना हो। कॉम को कोई भी केमिकल या फिर ज़्यादा हॉट वाटर से बिल्कुल भी क्लीन नहीं करना। सनलाइट में इसको नहीं रखना है। कपड़े से वॉश करके ऐसे ही ड्राई होने के लिए ड्राई प्लेस पे छोड़ सकते हैं, बट डायरेक्ट आप इसको सनलाइट में बिल्कुल भी मत रखना। एंड इसको रेगुलर टाइम पे, रेगुलर बेसिस पे जो है क्लीन करना है ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग आपका चले। स्टोर करने के लिए आप इसको नॉर्मल बाहर भी रख सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप जहाँ पर इसको रख रहे हैं वहाँ पर वो प्लेस एकदम क्लीन हो, ज़्यादा धूल मिट्टी वहाँ पर ना आती हो। अगर धूल मिट्टी आएगी तो वो सारी उसमें चिपकेगी जो कि आपके बालों में भी जाएगी। सो आप उस प्लेस को बिल्कुल क्लीन रखें तभी आप इसको नॉर्मल ऐसे बाहर रख सकते हो। अदरवाइज़ आप इसको इसका कवर ले सकते हैं, एक कॉम के लिए उसमें कवर करके रख सकते हैं। अदरवाइज इसमें ये आता है काफ़ी मजबूत है, ये काफ़ी चल जाएगा आपका। आप इसमें भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। मैं अभी काफ़ी टाइम से इसी में ही रख रही हूँ, बाहर नहीं छोड़ती हूँ, बट आप बाहर रख सकते हैं अगर आपका प्लेस एकदम क्लीन है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि क्या हम इसको वेट हेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप इसको वेट हेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको कहूँगी कि आप पहले पानी जो है बालों का जाने दें, हल्का ड्राई कर ले तभी इसको यूज़ करें। बट मैंने अभी आपको वेट हेयर में भी करके दिखाया, सो आप इसको डेफिनेटली वेट हेयर में भी यूज़ कर सकते हैं एंड ड्राई हेयर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यह कॉम आपके लिए एक वरदान है जो आपके हेयर्स को हेल्दी रखेंगे, मजबूत बनाएंगे, इजिली डिटेंगल कर देंगे, आपके हेयर्स को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। यह आप सालों साल तक भी चला सकते हैं अगर आप इसको प्रॉपर केयर के साथ रखते हैं तो।
सो गाइस बिना देरी के बिना सोचे आप इसको अभी जाके ऑर्डर कीजिए एंड आप कुछ ही दिन में इसका रिजल्ट देख पाएंगे कितना अच्छा है ये, कितना अच्छा रिजल्ट इसका आपको मिलेगा। बिना सोचे आप इसको अभी ऑर्डर कर सकते। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया है आपके मन में सो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वहीं पर आपका रिप्लाई कर दूँगी कि आपको और किस तरीके से इसका इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। ओके सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योर ब्यूटीफुल हेयर।